आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज ना मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और आज हम लोग उनको सरप्राइज देने वाले हैं, सरप्राइज पार्टी। पार्टी वगैरह तो कुछ ज्यादा नहीं होगी क्योंकि आप लोग को पता है ऐसे माहौल में ज्यादा किसी को बुला नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटा सा मतलब सरप्राइज देते हैं उनको। तो अभी मैं जाऊंगी पहले केक बनाने के लिए, पहले केक बनाऊंगी फिर उसके बाद में ना घर को थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी, ज्यादा नहीं। वैसे भी इतना कुछ मैंने मेकओवर किया है तो अच्छा ही लग रहा है, तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत बलून वगैरह लगा लेंगे, फिर उसके बाद में मैं बनाऊंगी डिनर। मैंने उनको कहा था कि ना बर्थडे वगैरह नहीं करेंगे, सिंपल से एक काम करेंगे, जब आप शाम को ऑफिस से आओगे तब ना बाहर खाना खाने चले जाएंगे। और उनको नहीं पता है कि मैं केक वगैरह घर पर ही बनाने वाली हूँ, तो मैंने ना अभी केक बनने के लिए सारी चीजें किचन में रख दी है कि चलो केक बनाने की तैयारी करते हैं। और पहले बनाएंगे केक, फिर उसके बाद में बनाएंगे अच्छा अच्छा सा डिनर, और फिर घर को डेकोरेट करेंगे, फिर उनको देंगे सरप्राइज। तो आप लोग भी दीजिएगा मेरे साथ में उनको सरप्राइज और बर्थडे विश कीजिएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ केक। तो मैंने ना ओरियो बिस्किट के 2 पैकेट लिए हैं और उसको अच्छे तरीके से मिक्सचर में पीस लिया है बारीक करके। तो इसको हम एक इसमें बाउल में निकाल लेंगे और उसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं भी अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना वाइट वाली चॉकलेट बनाई है। ये पता है कैसे बनाई है? ये ना मैंने थोड़ा सा जो पनीर है ना, पनीर को मैंने मिक्सर में पीस लिया था, फिर उसके बाद में इसमें मैंने बटर मिक्स किया है और पिसी हुई शक्कर मिक्स की है। तो ये ना बहुत अच्छी वाली वाइट क्रीम बन गई है। तो फिर इसको भी मिक्स करके रख लिया साइड में। और अब मैंने एक छोटा सा पतीला लिया है, उसमें जो हमारा पेपर होता है बटर पेपर, वो पेपर लेने के बाद मैंने थोड़ा सा ना इसमें ऑयल ऐड किया है, फिर इसको साइड में रख दिया। और मैंने कुकर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा इनो ऐड किया है, दूध भी थोड़ा सा ऐड किया था। सॉरी मैं आप लोग को रेसिपी अच्छे तरीके से दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि केक बनाना मैं आप लोग के साथ पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए केक बनकर एकदम तैयार है। तो मैंने ना इसको बीच में से आधा करके कट करके इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। तो अभी जो यहाँ पर ना मैंने पानी लिया है और उसमें पीसी हुई शक्कर ऐड किए, सॉरी शुगर ऐड किए पीसी हुई, और इसके बाद में मैंने इसका ना जो चाशनी होती है ना, जैसे चाशनी बोलते हैं, तो वैसी तरीके से बना लिया है। और अभी जो है मैं इस पर ना चॉकलेट लगाने वाली हूँ, ये डार्क चॉकलेट जो होती है ना वो वाली चॉकलेट है। तो इसको मैंने इस पर अच्छे तरीके से फैला दिया है, लगा दिया है अच्छे तरीके से। और देखिए मेरी चॉकलेट नीचे गिर रही है। और केक बनाने की हड़बड़ी हो गई है बहुत, मतलब क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। और ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से चॉकलेट वगैरह मैंने इस पर लगा दिए दोनों साइड में, जो दूसरा पीस कट करके रखा था वो भी। और अब इसको डेकोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करना चाहती थी लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और अच्छे से डेकोरेट नहीं हो पाया। तो ये देखिए अभी मैं घर को डेकोरेट किया है, कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे आप लोग। अच्छा लग रहा है ना, मैंने पूरी तरीके से घर को सजा दिया है, बर्थडे के लिए घर को रेडी कर दिया। ये देखिए कैसा लग रहा है। देखिए मैंने बलून वगैरह लगा दिए हैं, यहाँ पे लाइटिंग लगाई है, और घर तो मैंने मतलब सिर्फ बलून से ही डेकोरेट किया, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि आप लोग देखते हैं, देख रहे हो पहले ही कि मैंने मेकओवर किया है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखा देती हूँ। इन लोगों ने शायद नहीं देखा होगा उन्होंने। ये देखिए मैंने इतने अच्छे से फूल वगैरह बनाए हुए हैं, तो ज्यादा मेकओवर करने की मतलब इतनी जरूरत नहीं लगती, क्योंकि आप देख सकते हो पहले ही घर काफी अच्छे तरीके से सजा हुआ है। तो मैंने कहा चलो अभी एक काम करते हैं, थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर मैं और काव्य जाएंगे तैयार होने के लिए। सबसे पहले ना मैं बाहर थोड़ी सी रंगोली निकाल के आ जाती हूँ अच्छी सी प्यारी सी, और वेलकम के लिए अच्छा लगेगा। हाँ बालो, तो चलिए मैं जाती हूँ पहले रंगोली निकालने के लिए, फिर मैं और काव्य रेडी होते हैं। तो यहाँ पर बर्थडे का केक भी आ गया है और ये भी ऑफिस से आ गए हैं, तो अभी हम केक कट करेंगे। और मैंने सोचा था इनको बहुत अच्छे तरीके से सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन दे नहीं पाई, थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं हम लोग उतनी धूम तरीके से मतलब बर्थडे नहीं कर पाए। तो चलिए पहले केक कट कर लेते हैं, फिर आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ और इनको बर्थडे विश कर दीजिएगा।
स्पेशल डिनर मैंने बनाया है इनके लिए, चिकन तंदूरी, और मैंने ना नान बनाया था और पनीर की भाजी बनाई है। और रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखिए आज का स्पेशल डिनर, क्योंकि इनका बर्थडे है तो डिनर भी खास होना चाहिए। तो ये देखिए, तो ये ना बर्थडे से पहले का व्लॉग है, तो मैंने कहा चलो इसी वाले व्लॉग में इसको ऐड कर देती हूँ, फिर वरना ये आधा ही रह जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पर हम लोग आए थे मॉल में कुछ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत लेना था। और यहाँ पे मैं नॉनस्टिक बर्तन देख रही थी, मुझे कढ़ाई वगैरह लेनी है, तो मैंने कहा चलो बाद में जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब ले लेंगे, इसलिए मैंने इस बार नहीं लिया। ये देखिए काव्या यहाँ पर बोल रही थी कि मम्मा पहले फ़ोटो निकालते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है पहले फ़ोटो निकालते हैं। तो मैं फ़ोटो तो नहीं वीडियो बना रही थी, तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ। और काव्या जो है जिद कर रही थी, बोल रही थी कि नहीं ट्रॉली जो है मैं खुद से लेकर जाऊंगी। तो ये देखिए वो खुद से ट्रॉली को आगे लेके जा रही है, और पता है यहाँ से वहाँ वो ट्रॉली को लेके घूम रही है, और मतलब छोटी है वो तो उसको थोड़ा सा वजन लग रहा था, तो ट्रॉली देखो अपने आप ही इधर से उधर घूम रही है उसके साथ, और वो फिर भी नहीं सुन रही, बोलती नहीं मुझे ही ट्रॉली को लेकर जाना है आज। और काफ़ी गर्मी हो है बाहर, और हम लोग ने फिर बोला कि चलो जल्दी जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी। और पता है हम लोग सुबह 10:30 बजे गए थे और अभी 1 बज चुका है, तो हमने कहा चलो घर चलते हैं और घर जाकर कुछ खाना वगैरह खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, सुबह बिना नाश्ते के ही चले गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है काव्या के लिए डॉल हाउस, और ये देखिए ये सब जो चॉकलेट वगैरह की जो शॉपिंग होती है ना वो काव्या के लिए खुद से करती है, वो किसी को नहीं पूछती कि भाई मैं चॉकलेट लूँ या ना लूँ। तो यहाँ पर एक मैंने जग लिया है पानी का जार, और गैस के लिए लिया है ये क्योंकि हमारा जो गैस का पाइप है वो थोड़ा सा लीक हो रहा है इसी वजह से। और ये यहाँ पर मैंने कुछ डब्बे लिए हैं अभी करंजी और वगैरह जो बनाई है ना मैंने, इसीलिए क्योंकि इस बार जो है करंजी बनाई है तो डब्बे ना छोटे पड़ गए हैं, तो मैंने कहा चलो बड़े वाले डब्बे भी लेकर आ जाएंगे। तो इन डब्बों के लिए खास तौर पर हम लोग गए थे क्योंकि करंजी जो है इस बार छोटे वाले डब्बे में नहीं आ रही थी। ये देखिए काव्या का डॉल हाउस अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत पसंद आया और काव्या को भी बहुत अच्छा लग रहा है।